प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब जांच एजेंसी की टीम शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत के मुंबई स्थित घर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक राउत को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। वहीं संजय राउत के खिलाफ पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जाँच चल रही है। उन्हें ईडी कई बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी कारण से राउत ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान का हवाला देते हुए ईडी से पेशी के लिए और समय मांगा था। वहीं संजय राउत इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। 1 जुलाई को भी ईडी संजय से 10 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है।